इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की पुण्य स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। जय जिनेन्द्र नमी ऊण वढ़माणम परम पाणम जिणम ति शुद्धेण वोच्छामिरयण सारम सायारिणयारिधम मीणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। वर्णन चल रहा है रयणसार ग्रंथ में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव का। वही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में बता रहे हैं। देखते हैं गाथा नंबर 52। पुवठिद खवई कम पविसदुणो दे अहिणवम कम्मम इह परलोय महपम देता उव समो भावो। बोलिए एक साथ। उवठिद खवई कम्म पविसदुणो दे अहिणवम कम्मम इह परलोय महपम देता उव समो भावो। इस गाथा में चर्चा है उपशम भाव की, जो आत्मा के कल्याण में निमित्त है। ऐसा उपशम भाव क्या करता है देखिए जरा। उव समो भावो अंतिम चरण में जो दिया है, अर्थात उपशम भाव भव्य जीवों के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो कर्मों का दबना है, कर्मों को दबाने का जो भाव है, आत्मा में परिणामों में विशुद्धि बनी और उससे कर्मों को उन्होंने दबा दिया। ऐसा वह उपशम भाव पुवठिद कम्म, पुवठिद अर्थात पूर्व स्थित, पूर्व में बंधे हुए कम्म अर्थात कर्मों को खवेई अर्थात क्षय करता है। उस उपशम भाव से क्या होता है, उस जीव की, उस आत्मा के साथ में जो पूर्व बद्ध कर्म है, पहले आत्मा से जो कर्म बंधे हुए थे उन कर्मों का नाश होता है। और क्या होता है, अहिणवम कम्मम पविसदुणो दे दी। अहिणवम कम्मम अभिनव कर्म को अर्थात नए कर्म को पविसदु अर्थात प्रवेश, नो दे दी अर्थात नहीं देता है। आत्मा में नए कर्मों को प्रवेश नहीं करने देता। नए कर्मों को प्रवेश नहीं करने के, नए कर्मों का प्रवेश नहीं करने का तात्पर्य है वह कर्मों का संवर करता है, कर्म का बंध नहीं करता है, नूतन कर्मों का बंध नहीं करता है। और फिर साथ में क्या करता है, तहा तथा इह परलोय महत्तम देई। इस लोक और परलोक, इह परलोय इह लोक में अर्थात इस लोक में, इस भाव में और परलोक में महत्तम देई महात्म्य को प्रकट करता है, महत्व को देता है, अर्थात आत्मा का कल्याण का मार्ग उसे प्राप्त हो जाता है। इस भाव में भी वह मोक्ष मार्ग पर लग करके आत्मा का कल्याण करता है, और अगर उस भाव से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो अगला भाव भी उसका ऐसी पर्याय में जाता है जहाँ वह आत्म कल्याण कर सके। इसलिए हम सबको ये प्रयास और अभ्यास करना चाहिए कि हम कर्मों का उपशम करें। उससे क्या होगा, उससे तीन कार्य होंगे, हमारे पूर्वबद्ध जो कर्म है, आत्मा के साथ में जो पूर्व संचित कर्म है उनकी निर्जरा होगी, उनका क्षय होगा। जो कर्म अभी उदय में नहीं आ रहे उनको पहले ही तपस्या, व्रत, नियम, संयम आदि के माध्यम से उदय में ला करके झड़ाना ये कहलाती है अविपाक निर्जरा, जिससे आत्मा का कल्याण होता है।
और जो नए कर्म हैं जो आत्मा में बंध रहे हैं मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग के कारण से, तो वह जब जीव व्रतों को धारण कर लेगा औपशमिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेगा तो मिथ्यात्व के निमित्त से जो कर्म बंध हो रहा था वो उसको रोक देगा, उसका संवर हो गया और निश्चित रूप से इस भाव और पर भाव में अपने आत्म तत्व के महत्व को वो प्रकट कर लेता है। भैया जी, यहाँ गाथा में उपसंभाव करने को कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? आत्म कल्याण के लिए पांच भावों में से जीव के लिए तीन भाव कहे गए हैं, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव और क्षायोपशमिक भाव। कर्मों के उपशम होने का नाम है औपशमिक भाव, कर्मों का नाश होने का नाम है क्षायिक भाव, और जहाँ पूर्ण रूप से कर्म का क्षय नहीं हुआ है, जहाँ गुण का अंश प्रकट होता है, क्षयोपशम अवस्था रहती है, उसे हम कहते हैं क्षायोपशमिक भाव। वास्तव में तो जब आत्मा मोक्ष मार्ग पर लगता है तो इन तीनों भावों से ही होता है युक्त, तभी लग पाता है। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कर्मों का क्षय भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कर्मों का उपशम तो करें। हमारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है मोहनीय कर्म, और उपशम भाव मोहनीय कर्म में ही घटित होता है। सम्यक्त्व चारित्र्य, इस तरह से औपशमिक भाव के दो भेद हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सात प्रकृतियों को दबा देता है अंतर मुहूर्त के लिए ही ये उपशम भाव होता है, तब वह जीव अंतर मुहूर्त के लिए औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और ये भी नियम और सिद्धांत है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सबसे पहले वो औपशमिक सम्यक दर्शन ही प्राप्त करता है। और इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं क्षायिक भाव आगे की चर्चा है, लेकिन कम से कम औपशमिक भाव तो करे, और जब वो अपने परिणामों की विशुद्धि से पंच लब्धियों के माध्यम से जब वो उपशम भाव करता है तो वह पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता है, नए कर्मों को आने से रोकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। और जिस जीव ने एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसका अनंत संसार कट करके मात्र अर्ध बुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। आचार्यों ने कहा जहाँ पूरा का पूरा समुद्र का पानी है अब उसका संसार चुल्लू भर पानी शेष रह गया। किसके माध्यम से? सम्यक दर्शन के माध्यम से, औपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के माध्यम से। अब आगे आचार्य महाराज हमें स्वयं कह रहे हैं सम्यक दृष्टि अपना समय किसमें व्यतीत करता है और मिथ्या दृष्टि अपना समय किसमें व्यतीत करता है, आइए देखते हैं। सम्मादिट्ठिकालम् बोल्लैवेरग्णाणभावेहि मिच्छाइट्ठिवाञ्छा दुभावालस्कलहेहि। बोलिए एक साथ, सम्मादिट्ठिकालम् बोल्लैवैरग्णाणभावेहि मिच्छाइट्ठिवाञ्छा दुभावालस्कलहेहि। शब्दार्थ देखते हैं, सम्माइट्ठिकालम्, सम्माइट्ठि अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, कालम अर्थात अपने समय को, वेरग्णाण भावेई बोल्लई व्यतीत करता है, बिताता है, किसमें बिताता है? वेरग्णाण भावे ही, वेरग अर्थात वैराग्य और ज्ञान भाव में ही। मैं वैराग्य को कैसे प्राप्त करूं, कैसे अपने शास्त्रों के स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञान को प्राप्त करूं, बस इसी में वो अपना समय बिताता है। कौन? सम्माइट्ठि अर्थात सम्यक दृष्टि जीव। और इससे विपरीत मिच्छाइट्ठि मिथ्या दृष्टि जीव अपना समय किसमें व्यतीत करता है? वांछा अर्थात आकांक्षा में, इच्छा में, लोभ में, तृष्णा में, मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, अभी तो मेरे पास एक ही मकान है, बगल वाला बिक रहा है, मैं उसको भी ले लूँ,
और उसके लिए पैसों की आवश्यकता है, तो अनीति अन्याय से गलत काम करके हिंसा पाप में संलग्न होकर के मुझे तो बस कमाना है। इच्छा उसकी इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है। साथ में दुभावालस, दुभाव आलस्य, दुभाव अर्थात दुर्भावना में, दूसरों का बुरा विचार करने में, आलस्य अर्थात आलस्य में, प्रमाद में, और साथ में कलह ही अर्थात कलह में, झगड़ने में ही, लड़ाई झगड़ा करने में ही, गुस्सा करने में ही अपना समय व्यतीत कर देता है। बहुत स्पष्ट आचार्य महाराज यहाँ दोनों की चर्चा कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। अब इस गाथा से हमें अपनी पहचान करनी है, हम सम्यक दृष्टि हैं या हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमारा समय किस में व्यतीत होता है, 24 घंटे में से हम कितना समय किस में बिताते हैं। व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उस व्यापार के लिए, उस अर्थ पुरुषार्थ के पूर्व हमें धर्म पुरुषार्थ भी तो करना है। सच्चा श्रावक तो वही है जो चार पुरुषार्थों में से मोक्ष पुरुषार्थ वर्तमान में नहीं होना, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ, इनको बराबर बराबर समय दे। धर्म को भी 8 घंटे, अर्थ को भी 8 घंटे, और अपने पंचेंद्रिय विषय भोगों के निमित्त से जो खाना पीना है उसको भी 8 घंटे, निद्रा आदि की अपेक्षा से। लेकिन हम कितना समय सिर्फ विषय कषायों में व्यतीत कर देते हैं, इच्छा पूर्ति में व्यतीत कर देते हैं, या यूं कहें दूसरों के बारे में विचार करने में, बुरा भाव करने में, लड़ने झगड़ने में, गुस्सा करने में, अहंकार करने में व्यतीत कर देते हैं, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। हमें तो सम्यक दृष्टि बनना है, तो हम क्या करें, हम अपना समय वैराग्य को बढ़ाने में लगाएं, 12 भावनाओं का चिंतन करें, साथ में ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मैं अपनी आत्मा तक कैसे पहुंचूं, इस प्रकार का वह जीव चिंतन करता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो भैया जी, हमें अपने ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हम श्रावक हैं, हम गृहस्थ हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने आवश्यकों का पालन करना चाहिए। आचार्य महाराज ने पूर्व में हमें बताया, जिनेन्द्र भगवान की पूजन भक्ति करना और दान देना, ये हम श्रावकों का मुख्य कर्तव्य है। इसके साथ में अपने मन को लगाने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय में यदि मन लग जाता है तो घंटों घंटों बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए जो हमारा लेवल है, जहाँ हमारी स्थिति है, वहाँ पर हमें स्वाध्याय की परंपरा डालनी चाहिए। अपने आप को ये हम सोचें, हम किस स्थान पर हैं। अगर हमने कुछ भी स्वाध्याय नहीं किया है, कुछ भी हमें नहीं आता, तो हम बालबोध भाग 1 से शुरू करें। ये नहीं सोचें बड़े हो गए तो बालबोध कैसे पढ़ेंगे। ज्ञान को समझने की कोई उम्र नहीं होती। जिनवाणी चैनल के माध्यम से इतना सरल ग्रंथ आप लोगों को घर बैठे पढ़ाया जा रहा है, इसको पढ़ने का अभ्यास करें, और इस तरह ज्ञान बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें आत्मा के बारे में और अपने बारे में समझ में आएगा। और रही बात वैराग्य की वृद्धि के लिए, तो निश्चित रूप से अनित्य, अशरण, संसार आदि जो 12 भावनाएं कही गई है, उनका हम चिंतन करें। संसार को देखें, किस प्रकार लोग संसार में रुपए पैसे के लिए धोखा देते हैं, जिन पे हम विश्वास करते हैं वही विश्वासघात कर देते हैं। ऐसा चिंतन करके शरीर से जो हमें बहुत ज़्यादा मोह है, राग है, वास्तव में ये शरीर मेरा अपना नहीं है, इस शरीर से तो मुझे तप करके शरीर का उपयोग करना है, इस तरह चिंतन करके और हमें अपने वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। मुझे याद है आदरणीय बड़े पंडित जी को जब भी हम प्रणाम करते थे बेनड़ा साहब को, तो हमेशा वो हमें एक ही आशीर्वाद देते थे, ज्ञान और वैराग्य बढ़े, ये उनका आशीर्वाद था। तो निश्चित रूप से उन्होंने इसी आगम ग्रंथ के माध्यम से ये वाक्य पढ़ा होगा, और सम्यक दृष्टि जीव बनाने के लिए, बनने की भावना के लिए वो हमेशा इस तरह की भावना रखते थे। हम सब भी सम्यक दृष्टि बनने की भावना रखें, अपना समय ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि के लिए व्यतीत करें। तो आज की कक्षा में हमने जो दो गाथाएँ पढ़ी, उसमें सबसे पहली गाथा से हमें क्या समझना, हमें अपने परिणामों को शांत करना है। परिणामों को शांत करने का मतलब कर्मों को शांत करना, परिणामों में विशुद्धि बढ़े ताकि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। उससे क्या होगा, उससे हमारे पूर्व संचित कर्मों का नाश होगा और हमारे नए कर्म नहीं बनेंगे। और करना भी तो यही है, आत्मा का कल्याण इसी में तो होगा।
जैसे किसी गोडाउन में अगर नया माल नहीं आएगा और पुराने माल को हम निकालते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, पूरा गोडाउन खाली। ऐसे ही हमारी आत्मा में यदि हम नए कर्मों का प्रवेश नहीं होने देंगे, जिन निमित्तों से नए कर्म आ रहे थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनको धीरे धीरे एक एक निमित्त को हटाते जाएंगे तो नए कर्मों का प्रवेश नहीं होगा। और त्याग, तपस्या, व्रत, नियम, संयम से पुराने जो कर्म हैं वो निर्जरा को प्राप्त होंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी आत्मा कर्मों से रहित शुद्ध सात्विक, जो शुद्ध स्वरूप है, सिद्ध अवस्था है, उसको प्राप्त कर लेगी। और इसके लिए हमें क्या अभ्यास करना, हमें निरंतर ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि जैसे हो वैसा अपने को प्रयास करना है। हमारा समय किस में व्यतीत होता है, हम सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि काल तक 24 घंटे कहाँ आर्त, रुद्र ध्यान और विषय कषायों में लगे हुए हैं, उससे हट करके धर्म ध्यान में लगे, आत्म कल्याण में लगे, यही हमारा मोक्ष मार्ग का रास्ता है। हम सब उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की पुण्य स्मृति में। बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।